वेलकम टू माई चैनल तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु हैज डिज़ायर्स फॉर यू तो किसके मन में आपके लिए डिजायर्स हैं और वो किस तरीके से फील आपके लिए करते हैं ये एकटीन प्लस रीडिंग है अगर आप एटीन प्लस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हैं पाइल नंबर वन पाइल नंबर टू पाइल नंबर वन को ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्देमन से चूज कर सकते हैं उसी तरीके से पाइल नंबर टू आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने अपने से चूज कर सकते हैं

वहाँ से जो है इस पर्सन ने आपको पसंद किया होगा और उसके मन में आपके लिए डिज़ायर्स हैं जो भी जेंडर हो सकता है ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के मन में ऐसा नहीं होता होता है तो यहाँ पर ये चीज़ है ये पर्सन आपको प्रपोज देना करना चाहते हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके मन में फीलिंग्स हैं और वो यहाँ पे इमोशनल क्योंकि एस ऑफ कप्स आए इमोशनल चीज़ों के बारे में आपके बारे में सोचते हैं बेशक वो फिज़िकल तरीके से भी आपकी तरफ अट्रैक्शन में है लेकिन इमोशनल चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि क्या फ्यूचर रहेगा क्या हम करें और क्या चीजें आपको पसंद है तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में है तो so चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स उनकी तरफ से एट ऑफ वार्नस ये पर्सन जो है वो बातें करना चाहते हैं आपसे खूब खूब बातें करना चाहते हैं आपको निहारना चाहते हैं नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ शॉर्ट्स आप पे नजर रखते हैं ये पर्सन नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वार्नस पेज ऑफ़ वॉर्ड्स ये पहले भी आया है यहाँ पे एडवेंचरस एक्साइटमेंट जो है वो उनको लगता है आपको पास नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ़ वॉर्ड्स और टू ऑफ वार्नस तो यहाँ पे यही एनर्जी है ये पर्सन जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं अपने पैशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं अपने डिज़ायर्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं आपके साथ जो है वो फ्यूचर को देखते हैं किस तरीके से जो है आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो वो चीज़ है यहाँ पे यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि Uh, ये पर्सन के साथ जो है आप काफ़ी कंफर्टेबल भी महसूस करोगे और करते होगे कुछ हद हाँ तक फ्रेंडशिप है लेकिन उनके डिज़ायर्स में ये चीज़ है कि वो आपको जो है अनड्रेस्ड uh, वे में देखने की इच्छा रखते हैं थोड़ा सा प्लेफुल क्रिएचर uh, भी ये करना चाहते हैं आपकी फ़िज़िकल बॉडी चाहे आप मेल हो चाहे आप फ़ीमेल हो आपके चेस्ट एरिया को बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए आई वॉन्ट टू स्कोर मोर विद यू टू You made me make a, such a mess in my bed. Next, ara, seduction is about intelligence and wit. Someone who makes me laugh has every chance to seduce me. You are my queen. Next, ara, aapke liye. I can't walk properly after last night. Next, ara, and I kissed her, I kissed her mouth, ears, shoulders, etc. Standing ovation. Next, ara, touch me without using your hands. Next, well, we all deserve morning SEX and pancakes. आई नीड यू सो बैड राइट नाउ और लास्ट में आ रहा है आपके लिए यू आर सो यूनिक इन योर ओन वे तो आपको यूनिकनेस जो है वो आपकी पसंद करते हैं वो आपको गले लगाना चाहते हैं आपको किस करने की इच्छा रखते हैं आपको डिजायर सीधे सीधे बताना चाहते हैं और वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं चलिए देखते हैं कुछ चांस यहाँ पे आर सी और लव वन कोई क्वेश्चन है तो आप अपने लव वन से पूछ सकते हो यहाँ पर न्यू लव आ रहा है तो आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो रही है यहाँ पे जो है फॉर्चुनेट टाइम और न्यू लव और कार होम और फर्टिलिटी के बिल्कुल बीच में आए जो चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है वो आप फ़िक्स कीजिए और आपको समझना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं सही है और जो सही है उसकी तरफ ही जाना चाहिए चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए कैसे हुआ कबीर सिंह का और नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील

आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये वो पर्सन है लेकिन आपका जो स्ट्रिक्ट नेचर है उसकी वजह से कभी कभी वो डरते होंगे हालांकि वो जो है जानते हैं कि आपका एक अंदर सॉफ्टवेयर वर्जन भी है ये पर्सन जो है जो मैंने कहा कि आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है अगर रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी नहीं आए हो तो ये जो है आपके ऊपर क्रश रखते हैं कुछ इस तरीके की सीक्रेट एडमायर रह कह है सकते हैं लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं तो यहाँ पे कोई नई बात नहीं है आपके लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं टेन ऑफ कॉइंस आया कमिटमेंट को दिखाता है लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को दिखाता है सबको चीख चीख के बताना चाहते हैं कि आप जो है इस पर्सन के हो तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीजें हैं तो ये आंसर आपको मिल गया कि कौन आपके साथ रिलेशनशिप में या डिजायर रखते हैं तो रिलेशनशिप में है आप ऑलरेडी और वो आपको लाइक like करते हैं तो वो चीज़ है तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्पर नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड आया नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ट्स वो आपको एज ए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया है तो आपको एक एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपकी फैमिली अपनी फैमिली में दादी बाबा कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर हो उनको बताया होगा तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं हाँ आपके बारे में सोचकर अपने आप को प्लेजर देते हैं अपने आप को छूना टच करना और प्लेजर देना इस तरीके की चीज़ें हैं ये पर्सन जो है एज्यूम करते हैं आपके साथ जो है फैंटेसी को एज्यूम करते हैं और खेलना चाहते हैं मतलब जैसे होता है ना बाकी समझ लो यूट्यूब पर बोल नहीं सकते तो वो चीज़ें हैं एक रोल पे क्लेट खेलना आपको किस करना आपको जो है गले लगाना आपके साथ कडलिंग करना आपको अंड्रेस होते हुए देखना अपने पैशन को बताना आपके साथ फुट फेट जो है वो यूज करना रोल प्ले खेलने की इच्छा है इस पर्सन की ठीक है चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस, ज्यादा तो कुछ कह ही नहीं सकते यूट्यूब पे <laughs> चलो uh, पहला आ रहा है रब and एंड प्ले विद हर हेयर शी फॉल्स asleep ऑन योर चेस्ट होल्ड मी इन योर आर्म्स टाइटली नेक्स्ट आ रहा है साइड बाय साइड नेक्स्ट आ रहा आई want टू whisper इन योर ईयर हाउ आई हैव बीन क्रेविंग फॉर यू नेक्स्ट आ रहा आई वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स विद यू Next, ara, you are so skilled that you could teach lessons in SEX. Next, ara, you are a craving that is never satisfied. Next, ara, I want to play with you under the table in a crowded restaurant. I zoom every picture on social media and kiss it. Next, ara, I was thinking about you in the shower this morning. और लास्ट में आ रहा है आई वॉन्ट टू राइट पोएम्स ऑन योर स्किन विद लिप्स तो ये पर्सन जो टच फील करना उस चीज को डीपली फील करना आपकी स्मेल uh, क्रिएट करना मतलब या फिर जो है आपको पोएटिक तरीके से जो है वो थोड़ा सा अपनी तरफ इम्प्रेस करना ये चीजें हैं चलिए देखते हैं कुछ चांस तो यहाँ पे जो सक्सेस आई है हिडन सरप्राइजेज है और फॉर्चुनेट टाइम है तो यहाँ पे जो चीज़ें छोड़नी है लेट गो करना है उसको कर दो फॉर्चुनेट टाइम आपके लिए आ रहा है यहाँ पे ये चीज़ें सक्सेस आप क्रिएट कर पा रहे हो फ्लावर है परफ्यूम है ये सब है और हिडन सरप्राइजेज है तो जो चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है वो आप सीखो या समझो और फ्रेंडशिप के साथ आगे बढ़ो तो समझदारी से आगे बढ़ो ये पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ लेकिन ये चीज़ है इस पर्सन के मन में बहुत समय से चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सॉन्ग आपके लिए क्या आ रहा है सही आ रहा, एक था टाइगर रहना तुम दिल्ली सिक्स का और नेक्स्ट आ रहा है खबर नहीं अरिजीत सिंह का तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं तो पाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हुए आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू